नमस्कार दोस्तों, मारुति जिप्सी का इग्निशन लॉक मैंने मंगवाया था बुड़मो से, 930 रुपीस का था कुछ, उसका ट्रांसपोर्टेशन 70 रुपीस ऐसा करके 1000 रुपीस में मुझे मिला था। ये मेरे हाथ में जो देख रहे हैं वो एग्जिस्टिंग इग्निशन लॉक है, उसमें फोर केबल रहती है, ठीक है जी। तो अभी ये मैंने जो नया वाला लॉक मंगवाया है ऑलरेडी मैंने इंस्टॉल कर दिया है, क्योंकि इसमें कुछ ऐसी प्रॉब्लम आई थी कि मैं जब इग्निशन ऑन करता था तो कुछ लूज कॉन्टैक्ट उसमें क्रिएट होता था, कभी चाबी दो दो बार तीन तीन बार मुझे उसको ऑन ऑफ करनी पड़ती थी, जब तब जाके जो मेन पावर जो है वो सप्लाई आती थी मिलती थी, बाकी सब पूरा डेड रहता था। तो उसकी वजह से मैंने सोचा कि चलो नया लॉक मंगवा के डाल देता हूँ। तो फिर मैंने नया लॉक मंगवाया, अभी मैंने ये नया लॉक तो लगाया, लेकिन इसमें क्या है कि जो एग्जिस्टिंग लॉक की जो चाबी थी वो और ये नए लॉक के साथ आई हुई चाबी की जो है वो डोर के ऊपर मैच नहीं कर रहा है ना। डोर जो है डोर के लिए अलग से की रखनी पड़ रही है और इग्निशन ऑन करने के लिए अलग से की रखनी पड़ रही है। तो मैंने फिर सोचा कि चलो ठीक है, एग्जिस्टिंग लॉक जो है वो लॉक का मैकेनिज़म यूज़ कर लेता हूँ और पीछे वाला जो डिस्क लगी है चार केबल के साथ में वो डिस्क नए वाले की डाल देता हूँ, ताकि उसमें जो लूज कॉन्टैक्ट वाला जो प्रॉब्लम है वो रिजोल्व हो जाए, ठीक है जी। तो इसके लिए मैंने बैक साइड के ऊपर में जो ये चार केबल के साथ एक डिस्क जो है वो डिस्क को मैं वहीं से रिमूव कर लेता हूँ, और ये रिमूव करके एग्जिस्टिंग लॉक जो पहले वाला मेरा जो सिंगल की वाला जो था, जो डोर और सभी जगह पे कॉमन एक ही की लगती है, तो वाली की वाला जो मैकेनिज्म है वो इसके साथ मैं इंसर्ट कर देता हूँ, ठीक है जी। अभी ये जो मैकेनिज्म जो है पीछे वाला जो अंदर मतलब कॉन्टेक्ट बनाता है कॉपर के दो डिस्क के बीच में, कॉपर के दो डिस्क के बीच में क्या होता है कि वो कॉन्टैक्ट बनाता है, ठीक है, वो रोटेट होता है, स्लिप करता है अंदर का डिस्क को तो कॉन्टैक्ट बनाता है। तो मैंने फिर वो डिस्क जो है ना वो एग्जिस्टिंग जो लॉक पहले वाला था उसके साथ मैं उसको यहाँ पे स्क्रू कर देता हूँ इस तरह से, ठीक है जी। तो ये लॉक यहाँ पे मैं अगर स्क्रू इसको कर देता हूँ तो मेरा काम बन जाएगा, सिंगल की ऑपरेशन में आ जाएगी और मुझे दो की रखनी नहीं पड़ेगी। तो मैंने फिर नया लॉक जो है उसका मैकेनिज्म हटा दिया, पीछे वाला जो डिस्क जो जिसमें प्रॉब्लम थी लूज कॉन्टैक्ट वाला पार्ट जो था वो पार्ट सिर्फ मैंने यहाँ पे रिप्लेस कर लिया, और अभी जो नया वाला लॉक है वो ऐसे ही पड़ा रहेगा, कभी तो मतलब यूज़ में आ सकता है अगर वो भी ख़राब हो जाएगा तो। तो मैंने सिंगल की यूज़ करने के लिए मैंने फिर वो ये यहाँ से हटा लिया है और ये लॉक मैंने ऐसे रेडी कर लिया है। दोस्तों इसमें ये लॉक के ऊपर में है ना स्टेयरिंग रॉड के ऊपर में स्टेयरिंग कॉलम जो रहता है वो कॉलम के ऊपर में दो स्क्रू से इसको टाई किया जाता है, तो वो दो स्क्रू जो रहते हैं ना उसको हैमरिंग करके मैंने रिमूव किया था, और अभी लगाने के लिए भी उसके ऊपर मतलब कोई स्पैनर या कोई स्टार स्क्रू ड्राइवर या माइनस वाला स्क्रू ड्राइवर ऐसा कुछ से उससे टाइट नहीं होता है, तो इसको हाथ से मैं स्क्रू करके फिर उसके ऊपर लाइट हैमरिंग कर दूंगा। थ्रेड जो है वो लेफ्ट हैंड थ्रेड नहीं रहता है, जैसे नॉर्मल सारे बाकी के स्क्रू के ऊपर रहते हैं वैसे ही स्क्रू के थ्रेड है, तो कोई दिक्कत नहीं है इसमें। और ये मैंने अभी आपको बताया कि की अंदर में इंसर्ट किया, तो इंसर्ट करके मैंने की निकाला, तो ये जो सेंटर लॉक है वो एक्ट हो रहा है, कॉलम का जो स्टेयरिंग जो है वो लॉक होने वाला जो फंक्शन करने वाला भी ये अच्छे से मतलब वर्क कर रहा है, वो भी मैंने चेक कर लिया, ठीक है जी। तो ये दो मैंने जो स्क्रू अभी की बात की वो दो स्क्रू यहाँ पे इस तरह से लग जाएंगे, राइट हैंड थ्रेड ही है तो कोई दिक्कत नहीं है, बस उसको मुझे यहाँ पे इस तरह से होल्ड करना है और फिर ये स्क्रू को टाई कर देना है, तो ये लॉक जो है वो रिप्लेस हो जाएगा, मतलब इस तरह से मैंने रिप्लेस कर दिया है। तो अगर ये इग्निशन जो इग्निशन लॉक जो है उसके पीछे में जो चार केबल है, तो चार केबल में से एक केबल जो है वो डायरेक्ट स्टार्टर पे जाता है, जब भी हम क्रैंकिंग करते हैं व्हीकल को तो एक इनकमिंग पावर एक ही रहता है, पावर एक आता है उसके ऊपर इग्निशन लॉक के ऊपर में, और एक वो पावर को यूटिलाइज करता है एक केबल जो है, जब भी हम इग्निशन की जब टर्न ऑन करते हैं पहला स्टेप रहता है तो पहले वाले वायर में पावर जाती है, दूसरा स्टेप करने पे पहला और दूसरे दोनों में पावर जाती है, और जब क्रैंकिंग करने के लिए हम अगर की घुमाते हैं तो उस टाइम पे तीसरे वाले वायर में क्रैंकिंग वाले वायर में पावर जाती है। तो इस तरह से इसमें दो स्टेप स्विच और तीसरा जो है क्रैंकिंग के लिए अब पावर मिल जाता है, और इनकमिंग एक ही पावर होता है वो बैटरी से आया होता है, इस तरह से इसमें चार केबल इग्निशन कॉइल के और इग्निशन लॉक के ऊपर लगी रहती है। आई होप सो दिस वीडियो इज़ यूजफुल टू यू। आपका दिन शुभ रहे, धन्यवाद, जय हिंद।